शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शक नमस्कार, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और आज ट्रांसपोर्ट की क्या हालात हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज किस कगार पे खड़ी है, सरकार क्या इस ओर ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, और जिसके चलते ये जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज है आज इनकी इतनी बुरी हालात क्यों हुई है, क्या सरकार आखिरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आइए इन तमाम बातों के रुख करते हैं। आज हमारे इस विषय पे टॉपिक पे बात करने के लिए दो ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारे दो मेहमान है उसमें से आप है महेंद्र शर्मा साहब, जिन्हें एमके शर्मा साहब के नाम से भी जाना जाता है। प्रणाम। नमस्कार सर। और हमारे दूसरे मेहमान है मेवा सिंह साहब। मेवा सिंह साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल संजय जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल, तो दर्शकों आप है हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ इस समय में जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। दर्शकों जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हम हमारे दोनों मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले मेवा सिंह साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेवा सिंह साहब आप खंगुरा स्पीड करियर ओनर MP एंड DRPF चीफ इंचार्ज ऑफ MP के राष्ट्रीय प्रभारी हो, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के आप भाईचारा राष्ट्रीय परिवहन सेना के अध्यक्ष हो। तो दर्शकों हमारे दूसरे मेहमान जो जुड़ चुके हैं महेंद्र शर्मा साहब, मैं महेंद्र शर्मा साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि शर्मा साहब आप प्रेसिडेंट ऑफ ट्रक ओनर एंड ब्रोकर एसोसिएशन, ओनर ऑफ तत्काल कार्गो एजेंसी वाड़ी, ये कामकाज आप संभालते हो और अब तक के आपने काफी सामाजिक कार्य किए हैं और बढ़ चढ़ कर हमेशा ही समाज की सेवा करना ये आपका काम है। हमारे दोनों मेहमान हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए पूरी तरह से कामकाज करते हैं। ऐसे दोनों मेहमानों का कार्यक्रम की शुरुआत में दिल से उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और उनसे सवाल के जवाब में चाहूंगा। तो ये रहा मेरा पहला सवाल हमारे दोनों मेहमानों से। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा हमारे मेवा सिंह साहब की ओर। मेवा सिंह साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेवा सिंह साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? हेलो मेवा सिंह साहब। खैर, मेवा सिंह साहब से हमारा संपर्क बहुत जल्दी बनने वाला है। उससे पहले मैं हमारे दूसरे मेहमान जो है महेंद्र शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। महेंद्र शर्मा साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल। शर्मा साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डीजल के भाव बढ़ने से कितना बोझ ट्रक के व्यापारियों पे गिरा है, क्या कहना चाहोगे? संजय सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी कि आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का इतना ध्यान दिया, जबकि सरकार इस विषय पर ध्यान नहीं दे रही है जी। जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि सबसे पहले रेवेन्यू देने वाली ट्रक इंडस्ट्रीज है जी। और आज सरकार ट्रांसपोर्टरों के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रही है कि स्लो पॉइजन की तरह 73 पैसे करते करते आज 16-17 रुपया डीजल ये 1-1.5 महीने के अंदर में बढ़ा दिया। एक तो पहले ही गाड़ी वाले किस्ती से, टैक्स से, एंट्री से, आज जैसे हमारे जॉइंट एक्साइज कमेटी के अग्रवाल जी हैं, नरेंद्र मिश्रा जी हैं, इन्होंने काफी संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी भ्रष्टाचार को लगाम नहीं लग रही। जब भी भ्रष्टाचार के लिए मंत्रियों को हम निवेदन देते हैं, हम CBI इंक्वायरी करवा रहे हैं। ये इंक्वायरी करवाते करवाते 5 साल तो पहले मोदी सरकार जी की चली गई जी, और अभी फिर भी आ रही है। तो अभी ऐसा कर दिया, एक तो लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टरों को इतना मार दिया है कि टैक्स बोलते हैं कि न्यूज के ऊपर में कि छूट दी जा रही है, छूट नहीं दी जा रही है, जबकि गाड़ी वालों का और गला काटा जा रहा है। मैं आज ही, मेरे पास में एक फाइल आई थी, एक गाड़ी मालिक बेचारा टैक्स भरने गए जाने के बाद में उसको 900 रुपया प्लेंटी लगा दिया, उसके ऊपर में
9% जीएसटी और एक्स्ट्रा लगा दिया जी। इस प्रकार से अगर किस्ती वाले भी जो है आज सितंबर तक का छूट दिया, ये झूठे आश्वासन सरकार दे दे करके इस इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने पे तुली हुई जी। आज इस कतार पे आप देखिएगा 3 महीने बाद में यह नौबत आ जाएगी कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसान फांसी पे लटक रहे हैं, उस प्रकार से गाड़ी मालिक की ये परिस्थिति बन जाएगी कि वो फांसी के अलावा उनको और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? मंत्री लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है। आरटीओ राज छत्तीसगढ़ ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, आपका उड़ीसा ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया की पोजीशन ऐसी स्थिति है कि सब जगह कार्ड, कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट भाई भी मैं मानूंगा कि दोषी है कि उस लिप्त है उस भ्रष्टाचार से। इस प्रकार से गाड़ी वालों को और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को लूटा जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले टैक्स, इंश्योरेंस, टैपन सब कुछ पे करने के बावजूद गाड़ी रोड पे आती है, उसके बावजूद भी आरटीओ रोड पे क्या चीज का एंट्री मैकेनिकल, मेरे को यह आज तक 34-35 साल में समझ में नहीं आया जी। जब गाड़ी आरटीओ पासिंग में जाती है उसी समय बाद में ये टोल टैक्स का लाद दिया, ये बोझ, मतलब गाड़ी वाले के ऊपर में सब टैक्स है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद भी इनको राहत नहीं। आज भाड़े वही के वही है, 84 के भाड़े ही वही भाड़े चल रहे, तो गाड़ी मालिक किस्ती कहां से भरेगा? यानी आपका ये मानना है कि गाड़ी की पासिंग करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है व्यापारियों को? हाँ, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है शर्मा साहब? सॉल्यूशन आज जैसे ये रोड टैक्स ले रहे हैं उसी के अंदर में टोल टैक्स ले लिया जाए, एक साथ ले लिया जाए। आरटीओ की फीस जैसे है, आरटीओ पे एंट्री मैकेनिकल है, उसको आप 500,000 और बढ़ा दीजिए परमिट में, टैक्स में, एक साथ ले लीजिए। बिल्कुल, आप आपका जो कैमरा है ना वो कैमरे की ओर देख के बात कीजिएगा। ठीक, तो उस हिसाब से क्या है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं, भ्रष्टाचार का तो डबल बढ़ावा हो चुका है। आज मोदी जी का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्या हुआ है? क्या मेरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हुआ है कि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और डबल हुआ है जी? आरटीओ से पूछा जाता है तो बोला हमको टारगेट मिला है। अरे भैया, टारगेट देने वाला कौन है? आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात किया जाता है तो हमको आज 100 चालान का टारगेट मिला, जबरदस्ती के चालान फाड़े। अरे भैया, आरटीओ से गाड़ी पासिंग करके आई है, फिर क्या चालान फाड़ रहे आप? हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये रूल जो बनाया जा रहा है सिर्फ गाड़ी वालों को लूटने के लिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि टारगेट की यदि बात होती है, अगर कोई फार्मा में है, फार्मा इंडस्ट्री में काम करता है, वो जो कारोबारी होता है, एक तरफ सरकार आज पुलिस डिपार्टमेंट से आरटीओ से पूछते हैं जब कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट वारदात होती है, तब वो बोलते हैं हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है। और लूटने के लिए उनके पास में स्टाफ दुनिया भर का जी। आज इस प्रकार से जो आज स्लो पॉइजन, आज मेरे को एक चीज बताइए कि डीजल 73 पैसा 73 पैसा 70 पैसा 80 पैसा, पेट्रोल, आज ये आखिर जनता के ऊपर ही बोझ पड़ना, आम जनता इसके अंदर में आज नहीं तो कल मरनी मरनी है, ये कॉस्टिंग किसके ऊपर जाएगी जी? गरीबी कहाँ से दूर होगी? गरीबी, हाँ मोदी जी जो बोल रहे हैं गरीबी हटा दूंगा, गरीबों को मार देंगे, बड़े व्यापारी रहेंगे, छोटे व्यापारियों को व्यापार करने नहीं देंगे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने खुली तौर पे ऐसा बोला है क्या? कोई वक्तव्य क्या है, कोई ज्ञापन दिया? एक बार हमने गडकरी जी को, हमारे महाराष्ट्र में रहते हैं वो, केंद्रीय मंत्री है, उनको निवेदन सौंपा गया है, वो जब भी जाते हैं सीबीआई इंक्वायरी करवाता हूँ, आज एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, महाराष्ट्र के लिए, अपना क्या बोलते हैं राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, तो इतनी जना धुन सरे आम डे नाइट
मतलब डे नाइट, नाइट में भी ऑफिसर की ड्यूटी है बोलते, हमारी ड्यूटी है रोल के अंतर्गत, नाइट में आरटीओ की ड्यूटी रहती है क्या? नहीं रहती, मगर सब रूल चले जाते हैं सिर्फ वसूली के लिए। और रात में भी लेडीज आरटीओ उड़ीसा के अंदर में घमासान मचा के रखा है, इस तरह से गाड़ी वाले को मजबूर किया जा रहा है कि आखिर मरने के सिवाय उनको कोई रास्ता बचा नहीं। बिल्कुल, जिस प्रकार से महेंद्र शर्मा साहब ने ये जो बात कही है ये बहुत ही इसके बारे में क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। लेकिन एक बात तो है कि किसान जिस प्रकार से आत्महत्या कर रहा है, हो सकता है भविष्य में कि ट्रक के जो ड्राइवर है वो आत्महत्या न करे, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति पूरी तरह से सरकार ने बनाया है और सरकार के जो नुमाइंदे जो काम करने वाले हैं, चाहे टोल टैक्स वाले हो, आरटीओ वाले हो, ये जिस प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे हैं वो बहुत ही उनको दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है ड्राइवरों को। और जिस प्रकार से कामकाज हो रहा है ये कहीं ना कहीं उनके जीवन संवर्धन का नहीं तो बल्कि उन्हें मौत को गले लगाने जैसा कामकाज हो रहा है, ऐसा महेंद्र शर्मा साहब ने कहा है। लेकिन ट्रक ड्राइवर भाई हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो भारतीय है, हमें लड़ना आना चाहिए, हमारे हकों के लिए हमने लड़ना चाहिए, ना कि बुजदिल की तरह मौत को गले लगाना। मौत को गले लगाना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, हमने जिस प्रकार से जो जन्म लिया है, स्ट्रगल अगर हमारे जीवन में है तो स्ट्रगल का काम, हम स्ट्रगल का जवाब स्ट्रगल से क्यों ना दे, मगर आत्महत्या कति कोई भी ना करे, क्योंकि आत्महत्या करने से सोल्यूशन हल नहीं होगा, वो इंसान का उसका उसका शरीर चले जाएगा लेकिन उसकी बात वो कभी भी मर नहीं सकती। हम जिंदा रहकर भी हमारे काम काज कर सकते हैं, बशर्ते हमें सरकार के साथ दो हाथ करना होगा, यानी अपनी बात उन तक पहुंचाना होगा, बार बार पहुंचाना होगा, और तब कहीं अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये कहा जाता है। शर्मा साहब, जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार के बारे में काफी अच्छा विश्लेषण किया, आपने ये भी बताया कि टैक्स बढ़ रहे हैं, चाहे और साथ ही साथ जहां छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बंगाल है, यहाँ पे जो आरटीओ वाले जो परेशान करते हैं, रात को महिला कर्मचारी भी काम करते हैं ऐसे आपने कहा है, ये इतने ईमानदार कैसे हो गए रातों रात? रात में जब काम करते हैं 8 आवर का उनका ड्यूटी और होता है, उसके बावजूद रात में अगर वो सेवा देते हैं, इतने ईमानदार कैसे हो गए प्रशासन, क्या कहना चाहोगे? प्रशासन ईमानदार क्या, वो पैसे के लिए खड़े रहते हैं सर। आज गडकरी जी ने पासिंग बढ़ा दिया, देखिए लूटने के रास्ते कितने बढ़ाए, पासिंग बढ़ा दिया, टैक्स ले रहे हैं, माल उस इंडस्ट्रीज के इतना होना चाहिए। आज जबकि हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले ट्रक पूरा टैक्स पे करके, इंश्योरेंस पे करके, उसके बावजूद हाईवे पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज माल ढोना शुरू करती है पूरा टैक्स दे करके। आज अंबानी जी भी पूरा टैक्स पहले नहीं देते होंगे शायद, मेरे अनुमान से। जी जी, सबसे पहले चाहे कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हो वो भी नहीं देते। आज ट्रांसपोर्ट के लिए केंद्रीय मंत्री वो बैठे हैं, आज मेरे को बताइए ट्रांसपोर्ट के हित में उन्होंने क्या कानून बनाया? आज ट्रांसपोर्टर माल लेके जा रहा है, कोई घटना घट गई, पार्टी पेमेंट नहीं रही, दे रही है, किसी का करोड़ों पेमेंट रुक गया है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। सिर्फ कानून गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करने का कानून है, ये जो भ्रष्टाचार के लिए कानून है, यह टारगेट मिला है, आज 101 हवालदार को 100 चालान फाड़ना है, नहीं तो तुम उसको जैसे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी में बोलता है तू क्या किला। हमारी काफी डिस्कस होती रहती है हर डिपार्टमेंट से, आज भी मेरी बातचीत राज्य मंत्री से भी हुई थी, गृह मंत्री से भी हुई थी। जी जी जी, जिस प्रकार से आपने ये जो बात कही है, बिल्कुल बोलिएगा शर्मा साहब, बोलिए बोलिए। ये जो चीजें सिर्फ सर इनके पास जब भी निवेदन लेके जाते हैं, आश्वासन के अलावा आज तक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कोई सुविधा नहीं मिली ना। आज जबकि भारत का मध्य है नागपुर सेंटर जी, आज तक उन्होंने ट्रांसपोर्ट जोन घोषित नहीं किया। आज कितने सालों से हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं, इसके लिए नरेंद्र मिश्रा जी भी काफी संघर्ष कर रहे हैं और बॉर्डरों पे भी काफी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी
उन पे लगाम लगाने में सरकार असमर्थ क्यों? हमारा जवाब यही। जॉइंट एक्शन कमेटी जिस प्रकार से कामकाज करिए, क्या कहना चाहोगे? जैसे प्रहलाद अग्रवाल साहब है, नरेंद्र कुमार मिश्रा जी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी कमेटियां अभी तभी थोड़ा बहुत आप तक हम लोग पहुंचे हैं, नहीं तो हमारी आवाज कहीं बाहर जाती नहीं जी। मैं इसीलिए मीडिया का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग के माध्यम से कई सरकार जाग जाए। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? खत्म तो होना नहीं है, ये तो संभव है जी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो मंत्रियों ऐसे कोई सेवा नहीं करेगा, नहीं बिना पगार के कोई काम करेगा नहीं। बिल्कुल, जिस प्रकार से शर्मा साहब आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपके, आपने ये कहा है कि कानून तो है, कानून का अमल भी अच्छे तरह से आरटीओ के ये तमाम नुमाइंदे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या फिर हो उस क्षेत्र के, उस राज्य के मिनिस्टर, ये काफी अच्छा काम काज कर रहे हैं कि किस तरह से ये परिवहन को अच्छा काम कर रहे हैं। वो आप लूटना उसे कहते हैं, तो बस ये जो कामकाज कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसे कानून में, जो कानून जो है ट्रांसपोर्ट के हितों में कानून नहीं बना है, ये बात बहुत गौर फरमाने वाली है। आपको क्या लगता है कि अब इतने वर्षों से अगर ट्रांसपोर्ट के हितों में यदि कानून नहीं बना है, तो इसका कितना गैर फायदा इन लोगों ने लिया है? ये है ना, आज अगर मान लो कोई इंसिडेंट घटना हो जाती है, चोरी हो जाता है कोई भी गाड़ी, जैसे मान लो किसी डकैतों द्वारा डकैती हो जाती है, उसकी एफआईआर लिखाने जाओ तो हमको कम से कम 100 चक्कर मारने पड़ेंगे उस अधिकारी को। उसको भी पहले गांधी जी दिखाएंगे तब एफआईआर होगी, फिर और गांधी जी दिखाएंगे तब उसकी इंक्वायरी होगी। मैंने काफी केसेस स्लो किए, मतलब स्वयं डिटेक्ट किए, चोरों को पकड़ के ला करके पुलिस को दिए। यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कामकाज नहीं कर रही है, आप लोगों के लिए दौड़ के नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो महज पैसे के लिए आ रही है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से गांधी जी का जो नाम लिया, क्योंकि नोटों के ऊपर में गांधी जी का ही फोटो है, और गांधी जी यानी जब तक नोट नहीं चलाओगे तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। एफआईआर दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है, वो आपके बात तक नहीं सुनेगा। यदि आपने उनको कुछ हरी पत्ती या कहने का तात्पर्य का नोट उनको दिखाया या दिए, तो वो फौरन कामकाज पे लग जाते हैं। तो ये भी करप्शन का एक पार्ट नहीं लगता क्या आपको? अरे पूरा करप्शन है ना सर। गाड़ी आरटीओ से पासिंग होके आई, अगर सिटी से आरटीओ ऑफिस से निकलते ही ट्रैफिक सिग्नल वाला विसल बजाएगा जी, लाइए, तो मतलब जैसे ही गाड़ी रोड पे चढ़ती है, अरे अभी पासिंग करा के आए, अभी तुम्हारे वो नहीं लगा है, तुम वर्दी नहीं पहने हो, तुम जूता नहीं है, तुम्हारे को वो ये नहीं लगा है, कोइन कोइन बहाने से उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 188 लग जाएगा, 189 लग जाएगा, वो धाराएं सुनाने लग जाता है, ड्राइवर बेचारा घबरा करके उनको 200 दे देता है, फिर मालक को आएगा, बाबू हम 400 रुपये दे के आए। हर जगह भ्रष्टाचार है, उसमें ड्राइवर भी फिर क्या करता है, 100 की जगह 200 बताएगा, यानी ड्राइवर भी बैती गंगा में हाथ धो लेता है, ऐसा आपका मानना है? हाँ, मरना आखिर मालिक को ट्रांसपोर्ट को ही है। ओहो, चलो ठीक। तो बिल्कुल, म्योर सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर आप ये बताइए, हाथ धो लेता है सर म्योर सिंह साहब? जी सर बोलिए। कुछ समय बिल्कुल कुछ समय पहले हमने आपसे बात करना चाहता, लेकिन आपसे हमारी ऑडियो बात नहीं हो पा रही थी, अब आवाजें आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। काफी अच्छी जानकारी महेंद्र शर्मा साहब हमारे मेहमान ने हमको दिया है। आप ये बताइए मेवा सिंह साहब के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डीजल के भाव बढ़ने से इसका कितना बोझ ट्रक व्यापार पे पड़ रहा है? सर मेरा ऐसा मानना है, जो सरकार ने ट्रक वालों पे बोझ लाद दिया है या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पे बोझ लाद दिया है, ये बोझ कहीं ना कहीं क्रम वाई क्रम आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का
ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट हब या कह लीजिए, ये पूरे इंडिया का रेलवे के बाद दूसरा नंबर पे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आता है। सही। सबसे ज्यादा कंजप्शन कहीं ना कहीं ट्रक वाले ही डीजल का कंजप्शन करते हैं, और अगर जब डीजल महंगा होगा तो भाड़े बढ़ेंगे, भाड़े बढ़ेंगे तो माल ढुलाई बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं उसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। बराबर। और कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को ये कह लीजिए सरकार के द्वारा जो डीजल की वृद्धि की गई है और अंतरराष्ट्रीय तेल में जो डीजल की पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, उसके बावजूद कोरोना से संबंधित जोड़ के सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मेरा एक छोटा सा आकलन मैंने किया है, मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ। जी जी कही। हमारे यहाँ डीजल पिछले 16 से 17 दिनों में 11.50 रुपए के आसपास बढ़ा है। जी जी। जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 36.62 रुपए, 16.62 रुपए स्टेट गवर्नमेंट, और 35 से 36 रुपए इसका मूल जो हमें आयात के रूप में करना पड़ता है, यानी कि दाढ़ी से मूछें लंबी हो गई है, ये कहना कहीं भी गलत नहीं हो कि लागत जो है हमारी, जो जिस जो चीज हम खरीद रहे हैं और विदेशों को बेच रहे हैं, जैसे श्रीलंका हमारे देश से डीजल लेता है। जी जी। डीजल 50 रुपए 55 रुपए बिक रहा है और हमारे देश में 80 रुपए तक 81 रुपए तक कीमतें हो गई हैं। जी। और अगर मेरा तो ये सोचना है, अगर इस व्यापार को बचाना है और सामान्य जनता पे इसका बोझ कम करना है, तो डीजल की कीमतों को नीचे लाना होगा, पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाना होगा। हालांकि पेट्रोल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डीजल से ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल सर, आपने तो काफी अच्छी जानकारी दी। मैं और एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा मेहर सिंह साहब, आप ये बताइए कि जब ट्रक परिवहन जब आप ट्रक परिवहन करते हो तो उस समय में जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर में जाते हो तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या सरकार आपको सहयोग करता है या नहीं, क्या कहना चाहोगे मेहर सिंह साहब? सर वैसे तो पुलिस प्रशासन व रस्ते में जो चेक पोस्टें होती हैं वो कहीं ना कहीं, या पुलिस को कह लीजिए, वो हमारे आम जनता ड्राइवर भाई के सहयोग के लिए कि उनके साथ कहीं मारपीट ना हो जाए या कोई दुर्घटना ना हो जाए, उन परिस्थितियों को संभालने के लिए होती हैं। जी। लेकिन वास्तविकता में कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो उल्टी ही कहानी दिखाई देती है, लूट खसोट दिखाई देती है, क्योंकि हमारी गाड़ियां अब ऑल इंडिया परमिट हो गई हैं। जी। जो गाड़ियां पहले 5 या 6 प्रांतों का परमिट लेके चलती थी वो आज 10 से 11 प्रांते पार करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती हैं। बिल्कुल। उसमें बहुत से, जैसे मध्य प्रदेश में ही आरटीयू बैरियर लगे हुए हैं, राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, कुछ प्रांतों में नहीं है, कुछ प्रांतों में है, लेकिन जिन प्रांतों में है वहां पे सिवाय लूट के अड्डों के सिवा कुछ और नहीं है। वहां पे जो भी राशि ली जाती है, सुविधा राशि कह लीजिए उनकी परिभाषा में, वो ट्रकों के चक्कों की गिनती के अनुसार 6 चक्का तो 600 रुपए, 10 चक्का तो 1000 रुपए, 12 चक्का तो 1200 रुपए, और जितनी जैसे गाड़ी बड़ी बड़ी होती जाती है जी, उतनी बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सहयोग सरकार द्वारा सब कुछ जानने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी मिले हैं। क्या कहा है ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, क्या कहा है? सिर्फ आश्वासन मिला है सर, हम ये लड़ाई पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं,
इलेक्शन कमेटी के साथ हमने मिलकर भी पिछले कुछ समय से कोशिश की है जी, जो करप्शन है कहीं ना कहीं कम किया जाए, कुछ गाड़ी वालों का सहयोग किया जाए, काफी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। लेकिन हमारी सफलता सिर्फ हमारे बैनर तक ही सीमित रह गया है। लेकिन हमारा सोचना ये है कि हम पूरे अपनी प्रदेश की गाड़ियों के अलावा, महाराष्ट्र की गाड़ियों के अलावा, पूरे देश की गाड़ियां चेक पोस्टों से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दान राशि या लूट राशि के कह लीजिए कि बिना निकल सके। बिल्कुल, इसके लिए कुछ ना कुछ कानून में प्रावधान करना होगा या कुछ कुछ बिल लाना होगा इसके लिए, तब कहीं ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ, कुछ कहना चाहते थे आप शर्मा साहब, आप कहिए क्या कहना चाहते हो आप। महेंद्र जी, संजय जी, मोदी जी ने कहा कि ऑनलाइन सब पेपर टैक्स हो गया है, उसके बावजूद भी दलालों की क्या जरूरत है, चेक पोस्ट की क्या आवश्यकता। सही बात, बिल्कुल, जब ऑनलाइन है आप आरटीओ ऑनलाइन पेपर चेक कर ले बैठे बैठे गाड़ी को विदाउट व्हीकल रोके। आज टूल टैक्स पे 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगती है क्योंकि सामने आरटीओ खड़ा रहता है, उसके डर से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, गाड़िया रोड ट्रैफिक जाम होता है, डीजल जलता है, टूल टैक्स के ऊपर में टूल टैक्स कटाने के लिए आधा आधा घंटा गाड़ियों को वेस्ट होता है। क्यों ना एक साथ आप टूल टैक्स एक साल का ले लिया जाए। बिल्कुल सही, जब आप टैक्स एक साल का ले रहे हैं तो परमिट एक साल का ले रहे हैं तो टूल टैक्स का भी एक परमिट बना दीजिए ना जी। नहीं समझे, जब ऑनलाइन पेपर गाड़ी के अगर फेल है तो आपको ऑनलाइन दिख जा रहा है, जब टेक्निकल आपने लाए हो तो उस टेक्निकल का क्यों यूज नहीं कर रहे, चेक पोस्ट बनाने की आवश्यकता क्या है, ये एक्सपेंसेस गवर्नमेंट क्यों कर रही है। आज वहां पे 50-50 अधिकारी को पाल के बैठा रखी है, 100-100 ट्रैफिक पुलिस रोड पे छोड़ रखी है, वो सुरक्षा के लिए होनी चाहिए जबकि वो लूटने के लिए बैठी हुई। मैं शर्मा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी कि जो चीजें हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं ने हमें लूटने का प्रयास किया है। यानी कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली पे रख दिया गया है सरकार ने बिल्ली को ही रखवाली पे दूध को रख दिया है, और सीधे सीधे बिल्ली तो दूध पिएगी, ऐसा हमारा सोचना है। वास्तविकता तो यही है। अब हम लोग आखिरी के सेगमेंट में है, मैं हमारे दोनों मेहमान से मैं एक बार पता देना चाहता हूँ, मेवा सिंह साहब और महेंद्र शर्मा साहब, अब आप दोनों को और दो दो मिनट दिया जाएगा और उसके बाद में ये प्रोग्राम का समापन होगा, क्योंकि आखिरी के सेगमेंट में जो हम है अब तक के जो काफी ये इन टॉपिक को लेकर आपने अलग अलग बात जो कही है, यकीन है सरकार के नुमाइंदों पे या सरकार पर इसका यकीनन मैं 100% नहीं कहना चाहूंगा लेकिन 80-90% क्यों ना हो इतने प्रतिशत उनके ऊपर में असर जरूर गिरेगा, क्योंकि बार बार ट्रक ड्राइवरों के साथ में, ट्रक मालिकों के साथ में और ये ट्रक इंडस्ट्रीज के साथ में कितना बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, और ये जो कामकाज है ये पूरी तरह से जमींदोज होने की कगार पे है और इसके लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा आपने कहा है आखिरी के दो मिनट। और मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आना चाहूंगा मेवा सिंह साहब आपके पास आता हूँ आखिरी के दो मिनट, यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो क्या दोगे, क्योंकि लाखों दर्शक इस समय में इनविजन के दर्शक आपको गौर से देख भी रहे सुन भी रहे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, दो मिनट दे रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे, क्या है आपका सुझाव सरकार को, आपका टाइम शुरू होता है। आप संजय जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जी, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, अपने प्रधानमंत्री से और गडकरी साहब से और जो भी बड़े उच्च अधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के, जिस प्रकार से बहुत, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा है कि सारा काम जब ऑनलाइन हो गया है तो दलालों की क्या जरूरत है, जैसे टैक्स ऑल इंडिया मिलने लग गया है उसी प्रकार से टोल टैक्स भी ऑल इंडिया होना चाहिए, या फिर उस टोल की या रोड की कीमत पूरी हो जाने के बाद
उस रोड का टोल टैक्स खत्म कर देना चाहिए जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था। जिस भी रोड की या पुल की लागत पूरी हो जाती थी तो उसकी वो टोल टैक्स खत्म हो जाता था। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरा सरकार से निवेदन है कि वह आम जनता से अगर ये बोझ हटाना चाहती है तो कहीं ना कहीं ट्रक भाड़ा ढोलाई की कॉस्टिंग कम होनी चाहिए और रास्ते में जो लूट के अड्डे बने हुए हैं वह खत्म होने चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाकर गाड़ी वालों के हित में जी चर्चा करना चाहिए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी आपने दिया। आपने ये सबसे बड़ा जो सुझाव दिया है, 2 मिनट का जो समय दिया गया था, उन सुझावों में आपने 3 बातें महत्वपूर्ण रखी है मेवा सिंह साहब, जिसके लिए मैं आपका स्वागत ही करता हूँ। और जो आपने काफी अच्छी बात की कि टोल टैक्स ऑल इंडिया होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात आपने कहा है। उसके बाद में आपने ये भी बताया कि जो भाड़ा जो होता है ढुलाई का, जो कॉस्टिंग जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि वो भी डे बाय डे बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आता है और सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। आपके दोनों तीनों जो विषय आपने जो सरकार के जो गुहार लगाई है, जो उनके ध्यान में लाके ये जो चीजें दी है, ये जो बातें लाके दी है, वो बहुत ही बेहतरीन बातें, ऐसा मैं समझता हूँ। अब मैं आना चाहता हूँ महेंद्र शर्मा साहब, हमारे दूसरे मेहमान के पास। शर्मा साहब, आपको भी 2 मिनट दिया जा रहा है, यदि सरकार को यदि आपके कुछ सुझाव है आपके पास तो वो क्या है, क्या कहना चाहोगे महेंद्र शर्मा साहब? सबसे पहले संजय जी, मैं आपका खूब खूब धन्यवाद दूंगा, थैंक यू, कि आपके माध्यम से हमारी सरकार तक बात आप पहुंचा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ये सब चेक पोस्ट हटा देना चाहिए। ये वेस्टेज मनी जो आरटीओ विभाग का वहाँ पे जो स्टाफ बैठाया जा रहा है, करोड़ों रुपया उनको बांटा जा रहा है, तो वो भी 5 करोड़ वहाँ वसूला जा रहा है, उस खर्चे को कम करके वो एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को उससे राहत दिया जाए। जिस हिसाब से नरेंद्र मिश्रा जी काम कर रहे हैं चेक पोस्टों के लिए हटाने के लिए, ये रोकथाम के लिए, मैं उससे सहमत हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी ड्राइवर भाइयों के लिए जो काम कर रही है, मैं उससे भी सहमत हूँ। तो वो एक्शन सरकार को करना चाहिए और ये चेक पोस्ट हटा करके सरकार की काफी रेवेन्यू बचेगी। बिल्कुल, उस रेवेन्यू से ट्रांसपोर्ट डिवीजन को कास्टिंग कम पड़ेगी, ऑटोमेटिक भाड़े कम होंगे, डीजल कम, प्रदूषण कम होगा, सब कुछ कम होगा। मैं गडकरी साहब से यही निवेदन करूंगा कि आप केंद्र के परिवहन मंत्री हैं, इस विषय पे तत्कालीन एक्शन लेना चाहिए, इनको सभी राज्य की चेक पोस्ट हटा देनी चाहिए और उन अधिकारियों को जहां अतिरिक्त स्थान खाली है उस जगह पे उनको बैठाया जाए ताकि ये लूट कसौट बचे, अन्यथा ये ट्रांसपोर्ट डिवीजन बचना संभव नहीं है। जिस हिसाब से 2000 आप 3 महीने बाद में देखिएगा गाड़ी मालिकों की क्या हालत होगी, ये जिस हिसाब से ये टैक्स का छूट का जो झूठा वादा दिया है कि आपको छूट दी जा रही है, उनको डबल डबल दो दो किस्ती एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी और टैक्स प्लेंटी के साथ भरना पड़ेगा। आज उतनी इनकम गाड़ी मालिक को नहीं है, ये गाड़ी वालों के ऊपर बोझ लादा जा रहा है, ये बोझ आखिर जनता से ही वसूल होगा। मैं इतना करके मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल, आपके वाणी को कभी भी विश्राम मत देना, क्योंकि आपकी वाणी यूं ही बढ़ती रहे, बातचीत होती रहे, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी काफी अच्छा कामकाज कर रही है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन आप जैसे मेहमान आके जब सुझाव देते हैं, ये सुझाव सरकार के लिए, सरकार के वास्ते काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन सुझावों पर अमल होता है तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जो ड्राइवर हो या जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, इसे जिस नजरिए से जो देखा जाता है, यानी पैसे वाले की ये इंडस्ट्री
ऐसा देखा जाता है, इसकी लूट जो लूट होती है, इसकी जो डकैती जो की जाती है इनके ऊपर में, वो कहने का उसकी रोकथाम होना चाहिए। ये आपने काफी अच्छी बात की। और महेंद्र शर्मा साहब, आपने दो तीन पॉइंट बहुत ही अच्छे रखे, मैं फिर से एक बार उसको दोहराना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सरकार भ्रष्टाचार पूरी तरह से, यदि सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले टोल के टैक्स बंद करना चाहिए, और जैसे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट को भी हटाना चाहिए। यदि चेक पोस्ट को हटाया गया तो जो रेवेन्यू जो है वो ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए कामकाज में काफी आ सकता है, और सभी राज्य के चेक पोस्ट हटाए ऐसा भी आपने कहा है, और ताकि ये लूट और ये लखोट से लोग बच सके, क्योंकि जब तक ये जारी रहेगा तब तक इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज का कोई भी वाली सानी नहीं होगा, लोग यूं ही मरते रहेंगे और लोगों को यही छीना छपटी किया जाएगा। और इस इंडस्ट्री को आज ये इंडस्ट्री कम से कम दिखाई देती है कि तो जॉइंट एक्शन कमेटी जैसे जो लोग हैं वो इनके लिए पीटी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। आप सभी लोगों ने उनका साथ देना चाहिए, और परिवहन मंत्री से भी आपने कुछ बात कही है, परिवहन मंत्री यानी नितिन गडकरी साहब ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और जल्द से जल्द इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को न्याय देना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को न्याय नहीं मिलेगा तो तब तक इस देश का भला भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे हाथ में भी जो ये पेन दिखाई दे रहा है, ये भी किसी ट्रक से चल के मेरे हाथ में आया हुआ है। अगर उनके घर में कुछ जो भी सामान, अगर उनके वो जहां भी घर के किसी कोने में अगर नजर दौड़ाए तो उनके घर में जो सामान है वो भी ट्रकों के माध्यम से आया है। मगर अफसोस के आने वाले दिनों में जो अब तक के जो दिन आए हुए उसमें लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है। अगर अगर ऐसी कोलैप्स होती रही तो फिर क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। इस ओर सरकार ध्यान दे, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ने वाला जवान और देश की सड़क पर चलने वाला ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये अपने आप में सलाम करने वाले क्षेत्र है, और हम उन्हें सलाम करते हैं। उनका जीवन संवर्धन अच्छे से होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमेशा सुजलाम सुफलाम होना चाहिए। अगर वो सुजलाम सुफलाम होते हैं तो यकीनन अपना भारत देश भी सुजलाम सुफलाम होगा, वरना इन सरकार की नीतियों के आगे इनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि सरकार की नीतियां ढाक के तीन पांच जैसे दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, आप थे हमारे दोनों मेहमान जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात किया, मेवा सिंह साहब और महेंद्र शर्मा साहब, इनसे हमने पूरी तरह से जानकारी हासिल की, उन अलग अलग टॉपिक पे उन्होंने बात की। अगली बार फिर इसी प्रोग्राम के जरिए हम आपको कुछ नए ऐसे राज्य के कुछ मेहमानों से रूबरू करवाएंगे, अलग टॉपिक को लेकर उनसे हम बात करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज कार्यक्रम। और मैं फिर से एक बार मेरे दोनों मेहमान जो अभी भी हमारे साथ में जुड़ चुके थे, जिन्होंने अपना समय पे समय निकाल के हमारे साथ में जुड़ गए और काफी अच्छी जानकारी दी, उनका मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दर्शकों, ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ, ऐसे संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषणा करता हूँ, नमस्कार। नमस्कार मेरे दोनों मेहमानों को, नमस्कार।